हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं शिव मंदिर, जो कि है जटोली में और जो कि उत्तरी भारत का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तो अभी हमें सोलन बस स्टैंड में, मेरे पीछे आप देखते हो सोलन बस स्टैंड। सो लेट्स गो एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलो चलते हैं अपनी बस की तरफ। तो अभी हमें सोलन ISBT, तो हमने शिमला से डायरेक्ट राजगढ़ की बस ली है और राजगढ़ वाले रास्ते में ही आता है बीच में जटोली। तो ये रही हमारी बस। तो यहाँ से आप देख सकते हो व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, सामने सुंदर सुंदर पहाड़। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं जटोली टेम्पल का, जहाँ से पैदल रास्ता है। तो हम आए थे यहाँ पे शिमला से बस में, तो हमारी डायरेक्ट बस थी शिमला राजगढ़ की। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे सोलन आते हो तो सोलन ISBT से आप बस ले सकते हो, या और बस स्टैंड से भी यहाँ पे बसेज आती है। तो मेरे पीछे आप देखते हो जटोली टेम्पल का ये बोर्ड लगा है, और टेम्पल यहाँ से लगभग 5 मिनट की दूरी पे ही है। तो चलो चलते हैं, सीढ़ियों के रास्ते से जाना है, तो लेट्स गो। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो रोड, और यहाँ पे है ये टेम्पल। तो ये रोड के बिल्कुल पास में ही है, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है रोड से ऊपर की तरफ, और वो है सीढ़ियों का रास्ता। ये आप देखते हो यहाँ पे स्टेयर्स लगी है चढ़ने के लिए मंदिर के लिए। सो गाइस, यहाँ से आप बेल पत्थर ले सकते हो मंदिर के लिए, हमने ले लिया। चलो चलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंदिर के एंट्री गेट पे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो प्रसाद की शॉप है, तो यहाँ से आप मंदिर के लिए ले सकते हो प्रसाद। और इस तरफ है मंदिर का एंट्री गेट, तो यहाँ का एंट्री गेट काफ़ी ब्यूटीफुल है जैसे कि आप देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे अपने पर्सनल व्हीकल में आते हो तो आप जो अपना व्हीकल मंदिर के एंट्री गेट तक लेके आ सकते हो। तो सामने बोर्ड पे लिखे हैं विजिटर के लिए कुछ नियम जो आपने अच्छे से फॉलो करने हैं अगर आप मंदिर विजिट करते हो। तो आप सामने दीवारों में देख सकते हो काफ़ी अच्छी चित्रकारी की गई है, पर आई थिंक इन पर अभी कलर करना बाकी है। तो इसमें जो है समुद्र मंथन का भी दिखाया गया है, जिसमें कि शिवजी भगवान ने विष का प्याला पिया था, तो उसकी चित्रकारी भी दीवार पे की गई है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जटोली टेम्पल, और पीछे आप देख सकते हो कितना अच्छा साउंड आ रहा है भजन का, जिससे काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव सा फील हो रहा है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जटोली टेम्पल। तो चलो मैं आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो जटोली टेम्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश की सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इस टेम्पल का नाम जटोली शिवजी भगवान की लंबी जटाओं के आधार पर रखा गया है। ये कहा जाता है कि पौराणिक काल में यहाँ पर शिवजी भगवान जी आए थे और कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहे थे। इस मंदिर की स्थापना स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी ने की थी, वो 1950 में यहाँ पे आए थे, और 1974 में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो इस मंदिर को बनने में लगभग 39 साल का समय लग गया था। ये मंदिर जो है वो करोड़ों की लागत से तैयार किया गया है, और सारा पैसा जो है वो श्रद्धालुओं द्वारा दान में दिया गया है। तो इस मंदिर में ना केवल देश से श्रद्धालु आते हैं, बल्कि विदेश से भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर के ऊपरी छोर पे 11 फीट ऊंचा विशाल सोने का कलश स्थापित है, जो इस मंदिर को बेहद ही स्पेशल बनाता है। ये मंदिर जो है वो दक्षिण द्रविड़ शैली में बना है, और इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 111 फुट है, और कहा जाता है कि ये सिर्फ उत्तरी भारत का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा टेम्पल है। तो सामने आप देखते हो ये इस मंदिर की रसोई। तो सामने आप देख सकते हो इसमें लिखा है कि जो इस मंदिर के संस्थापक है वो श्री श्री स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज जी है, और इसी के साथ में जो है मंदिर की यज्ञशाला। जटोली टेम्पल जो है वो समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है, एंड इस मंदिर का डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से बनाया गया है।
जटोली टेम्पल के पूर्वी कोने में एक जलकुंड है और कहा जाता है कि उसका पानी जो है वो गंगा नदी जितना पवित्र है और उससे जो है स्किन रिलेटेड रोगों का इलाज भी किया जा सकता है। तो अभी हम जा रहे हैं जल चढ़ाने। तो मंदिर के इस तरफ है शिवलिंग्स और सेंटर में है आश्रम। आई थिंक यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी है। और दूसरी तरफ है जो हमारा मेन टेंपल है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, शिवरात्रि जो है वो शिवजी भगवान जी का मेन त्यौहार है और जो जटोली टेंपल है वो शिवजी भगवान का टेंपल है। तो यहाँ पे जो है शिवरात्रि काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो आज यहाँ पे भंडारा लगा था, तो जब तक भंडारा तैयार हो रहा था तो तब तक सभी श्रद्धालु जो है यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो है महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा फंक्शन था, तो उसके लिए सभी जो है लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे। एंड यहाँ पे शिवरात्रि जो है काफ़ी जो है उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा और लकड़ियाँ जो है वो बची हुई थी, तो सभी श्रद्धालु लगे हुए थे लकड़ियाँ इकट्ठी करने। तो अभी यहाँ पे भंडारा शुरू हो चुका है और सभी काफ़ी थक गए थे लकड़ियाँ ढो के। तो अभी हम सभी खाना खा रहे हैं और सामने आप देखते हो यहाँ पे आश्रम के नियम लिखे हुए हैं। तो जब भी आप यहाँ पे आते हो और विज़िट करते हो तो आपने नियमों का अच्छे से पालन करना है। अभी हम खा रहे हैं खाना। आज यहाँ पे मंदिर विजिट करने काफ़ी ज़्यादा लोग आए, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। एंड यहाँ पे आज भंडारा भी है। सो गाइस, आज संडे है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आए हैं और मंदिर में भंडारा भी है। तो मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे रोज़ भंडारा लगता है, आज भी स्पेशल डे है। गाइस, ये था हमारा जटोली टेम्पल का विजिट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। And if you are new to my channel, then don't forget to subscribe. Thank you.